नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। चीन के खिलाफ भारत ने शुरू किया ट्रेड वॉर, बीजिंग ने बताया खतरनाक। चीन के खिलाफ अमेरिका के ट्रेड वॉर में दुनिया भर के कई देश शामिल हो रहे हैं। चीन के खिलाफ भारत के ट्रेड वॉर शुरू करने पर चीन ने अब चेतावनी दी है। चीन की सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ट्रेड वॉर में अमेरिका के साथ भारत का आना खुद उसके लिए जोखिम भरा कदम साबित हो सकता है। चीनी सरकारी अखबार में छपे एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत चीन के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियां अपनाकर यूएस की राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है। संभव है कि भारत ट्रेड वार्ता से पहले यूएस को खुश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर भारत दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर भी ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। अखबार ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि ऐसा करके भारत एक खतरनाक खेल में कूद रहा है, क्योंकि व्यापार में भारत को यूएस से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इससे चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिशों पर भी पानी फिर जाने का भी खतरा है। राहुल पर पीएम मोदी की चुटकी, हमने अविश्वास का कारण पूछा, वो गले पड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वह शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान कल्याण रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि जितने ज्यादा दल एक साथ मिलेंगे उतना ही दलदल होगा, और जितना ज्यादा दलदल होगा उतना ही कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को सदन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि देश के कोने कोने को मोदी पर विश्वास है, लेकिन कुछ दलों को विश्वास नहीं है। मोदी ने कहा, हमने उनके अविश्वास का बार बार कारण पूछा है, लेकिन वो कारण नहीं बता पाए और गले ही पड़ गए। पीएम ने कहा कि अहंकार, दंभ और दमन के संस्कार आज का युवा भारत सहने को तैयार नहीं है। चाहे साइकिल हो या हाथी, कोई भी हो साथी, स्वार्थ के इस पूरे स्वांग को देश समझ चुका है। यूपी में जस्ट डायल के सेंचुरी बदमाश, 200 लोगों से लाखों की ठगी, 5 अरेस्ट। ऑनलाइन हेल्प डेस्क जस्ट डायल में फर्जी ट्रांसपोर्ट कंपनी रजिस्टर करवाकर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए ठगने के आरोप में एसटीएफ ने शुक्रवार को 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के अनुसार इन लोगों ने गोडम्बा में फर्जी दफ्तर भी खोल रखा था। इनके गैंग में 100 से ज्यादा लोग हैं। प्रदेश भर में सक्रिय है गैंग, देश भर में 200 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। एसटीएफ को आरोपितों के पास से फर्जी चालान बुक, बिल्टी बुक, 17 मोबाइल फोन, फर्जी नाम पते पर लिए गए 19 सिम कार्ड, फर्जी स्टैंप और विभिन्न बैंक के एटीएम व डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। प्रदेश की जेल में फिर से अराजकता, बागपत व हमीरपुर में हंगामा। माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद प्रदेश में जेलों की कलाई खुलने लगी है। बीते दिनों उन्नाव तथा देवरिया जेल के बाद आज बागपत तथा हमीरपुर जेल में हंगामा हुआ है। बागपत जिला कारागार में एक बंदी को थर्ड डिग्री दी गई। यहां के 3 बंदी रक्षकों पर आरोप है कि वे सभी बंदियों से अवैध वसूली करते हैं। एक बंदी ने पैसे नहीं दिए तो उसको थर्ड डिग्री दी गई है। इसके बाद उसको गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर भी उपचार के दौरान डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल बंदी को मेरठ के लिए रेफर किया। इस घटना के बाद एक बार फिर यहां का जेल प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। ऋचा यादव ने जीते 4 खिताब। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेली गई शिवदास गुलाटी जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऋचा यादव ने अलग अलग वर्ग में 4 खिताब जीते। अंडर 19 एकल युगल, महिला एकल युगल की ट्रॉफी पर अपना नाम लिखा। संपदा केसरवानी ने 3, आकाश तिवारी, कार्तिकीय शाश्वत, एलिजा बेंथनी ने 2-2 खिताब पर कब्जा जमाया। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की। अंडर 13 के बालक वर्ग के एकल के फाइनल में आकाश तिवारी ने शोभित पांडे को 30-22, इसी वर्ग के युगल के फाइनल में आकाश और वंश की जोड़ी ने अभिषेक कृषांग की जोड़ी को 30-23 से, अंडर 15 के एकल के फाइनल में कार्तिकेय शाश्वत ने अंबर गुप्ता को 30-22, इसी वर्ग के युगल के फाइनल में कार्तिकेय आदर्श की जोड़ी ने विनायक अमर को 30-29, अंडर 17 के एकल के फाइनल में साहिल कुमार ने अनिकेत पांडे को 30-26, इसी वर्ग के युगल के फाइनल में ओम प्रकाश वीरेंद्र कुमार की जोड़ी ने अनिकेत कार्तिकेय की जोड़ी को 30-29 से, अंडर 19 की एकल के फाइनल में ओम प्रकाश राणा ने अंकित पांडे को 30-29, युगल के फाइनल में अनुभव समरेंद्र की जोड़ी ने साहिल कुमार अजनीश की जोड़ी को 30-14 से हराया।
तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। इतने तहलका टुडे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।